एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव होंगे। 4 मई को होगी पहले चरण की वोटिंग और 11 मई को होगी दूसरे चरण की वोटिंग। निकाय चुनाव के 13 मई को नतीजे आएंगे। यूपी नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि 17 महापौर और 1,420 पार्षदों के चुनाव। ईवीएम से होगी महापौर और पार्षदों की वोटिंग, तो वही नगर पालिका नगर पंचायत के बैलेट पेपर से वोटिंग होनी है। तो देखिए, इस बार ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से वोटिंग होनी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। यूपी में दो चरणों में निकाय चुनाव होंगे, तो 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होनी है। वहीं अगर हम बात कर ले दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो 11 मई को होनी है और निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं 13 मई को आने वाले हैं। यूपी नगर निकाय के 14,684 पदों पर चुनाव, 17 महापौर और 1,420 पार्षदों के चुनाव। और देखिए, ईवीएम से इस बार महापौर पार्षदों की वोटिंग होनी है, नगर पालिका नगर पंचायत के बैलेट पेपर से वहां पर वोटिंग कराई जाएगी। तो इस बार दोनों ही सिस्टम रहेंगे, ईवीएम और बैलेट पेपर, क्योंकि देखिए हमेशा से ही जो पक्ष विपक्ष है वो एक दूसरे पर आरोप लगाता रहता है कि ईवीएम के पर खराब हो गया, धांधली की गई है। तो इस बार ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से वोटिंग कराई जाएगी। तो यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है और ईवीएम से महापौर पार्षदों की वोटिंग होनी है, नगर पालिका नगर पंचायत बैलेट पेपर से वोटिंग होंगे,